हेलो एवरीवन, दिस इज मुरलीधर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने रखा है हमारा मीडिया बोर्ड। हम आप जो है इस मीडिया बोर्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में ही हम अपने गोप्रो में इसको असेंबल करके भी देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि हमारे मीडिया बोर्ड जो है गोप्रो के अंदर लगने के बाद में और क्या क्या ऐसी सीरीज लगाने के फैसिलिटी भर जाती है। तो गाइस, हम जो है इसके अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहते हैं, जो कि वो होने वाली है गिव वे के तौर पर। तो जो गिव वे होगा गाइज, वो हमारा 500 रुपीज से लेकर के 1000 रुपीज के अंदर होने वाला है। गाइज, गिव वे का जो रूल है वो कुछ इस तरीका का है कि हम किसी वीडियो के अंदर उस गिव वे का अनाउंसमेंट करेंगे और उसी वीडियो के अंदर ही हम आपको उसकी लिंक भी बताएंगे कि ये गिव वे आपको कैसे और कहाँ मिलेगा। आप उस गिव वे को कैश के रूप में ले सकते हो या किसी भी आइटम के रूप में ले सकते हो। और जिस वीडियो को हम बनाएंगे, जिस वीडियो के अंदर हम गिवअवे का लॉन्च करेंगे, उसी वीडियो के अंदर उसके बारे में बताएंगे कि और क्या क्या जानकारी है। और गाइज, जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, हम अपना गिवअवे का जो रूल है वो कुछ बढ़ाते जाएंगे, गिवअवे का अमाउंट भी बढ़ाएंगे और साथ में गिवअवे के कुछ निर्देश भी बढ़ाने पड़ेंगे हमको, ताकि गिवअवे को लेने वाला बंदा कोई अच्छा ही हो और बढ़िया ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, गिवअवे हमारा कोई भी दे सकता है। और गिवअवे के बारे में अधिक जानकारी हम जिस दिन वो वीडियो बनाएंगे, गिवअवे के ऑफर देंगे, उसी दिन हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो गाइज, चलते हैं हम अनबॉक्सिंग की ओर और आपको दिखाते हैं कल मीडिया मोड की अनबॉक्सिंग कैसे की जाती है और उसके साथ में इसका गोप्रो में सेटअप कैसे किया जाता है। गाइज, ये आ गया हमारा मीडिया मोड, GoPro 10 के लिए लाए हम इसको। और ये रहा हमारे पास में GoPro 10। आज हम इसको इसमें फिट करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीका से ये GoPro 10 के लिए सूटेबल है या नहीं है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे इसके अंदर क्या क्या फिटिंग निकलती है इसके लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम इसकी अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गाइस। हमारे पास ये चाकू ही था खोलने के लिए और कुछ था नहीं, तो इसीलिए चाकू का ही यूज किया है। ये कुछ इस तरह निकलता है इसमें से। ये इसके प्रेम पत्र हैं गाइस। फर्स्ट में हम इसको अपना मीडिया बोर्ड को निकाल लेते हैं। ये कुछ इस तरीका का होता है। और ये दो आइटम और निकलते हैं इसके अंदर। ये कैसे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ मैं। और इसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता है, यही आइटम है बस इसके अंदर। हाँ, एक ये और है। ये कहाँ यूज होता है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। गाइज, इसमें जो है ये चार ही आइटम निकलते हैं। ये इसकी फिटिंग है। ये जो है इसके अंदर एक माइक है, हम आपको अभी बता देते हैं ये कैसे फिट होगा, उसके बारे में हम आपको भी डिटेल देंगे। पहले हम मीडिया मोड की बात कर लेते हैं। तो मीडिया मोड के बारे में जो है, ये इसमें 3 पोर्ट दिए जाते हैं। ये वाला जो पोर्ट होता है, पहले वाला, ये HDMI पोर्ट होता है। हम अलग से कोई डिस्प्ले वगैरह लगाना चाहें तो उसके लिए ये पोर्ट दिया जाता है। दूसरा जो पोर्ट होता है टाइप सी पोर्ट होता है, क्योंकि हमारे जो GoPro के अंदर एक ही टाइप सी का पोर्ट होता है। तीसरा जो पोर्ट होता है, ये हमारा माइक के लिए होता है। अलग से हम डेडिकेटेड माइक लगा सकते हैं इसमें गाइस, क्योंकि इसके अंदर नहीं कोई निकलता है। हम आपको भी फिट करके बताएंगे, तब हम आपको दिखाएंगे भी ये सारी चीजें। और ये वाला जो दिख रहा है अंदर की तरफ एक टाइप सी का ही ये कनेक्टर है। ये कनेक्शन GoPro के अंदर लगाया जाता है। दूसरा फीचर इसका ये है कि इसके अंदर ये डेडिकेटेड माइक दिया गया है यहाँ पर, जो हमारा ये वाला जो है, ये वाला हमारा यहाँ पर फिट किया जाता है नॉइस को कैंसिलेशन करने के लिए। ये कुछ इस तरीका से फिट होता है। ये फिट हो गया। अब हम इसको GoPro के अंदर फिट करेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी। ये यहाँ से एक लॉक होता है ये वाला, हम इसको ऊपर की तरफ करना पड़ता है। हम जैसे ऊपर की तरफ इसको करेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। ये खुल गया।
और ऐसे ही गोप्रो के अंदर होता है, गोप्रो के अंदर ये वाला होता है, ये देख लीजिए, एकदम सीधा पकड़ना है इसको। सीधा पकड़ने के बाद जो नीचे की साइड में होगा, एक यहाँ से जो इसको ऊपर की तरफ करना है, इस लॉक को, लॉक को आप ऊपर की तरफ करोगे, ये कवर इसका खुल जाएगा। खुलने के बाद में क्या है कि ये जो है आराम से इसको हम आराम से इजीली ऐसे हटा सकते हैं। ये रिमूव कर दिया हमने, ये बेसिकली उसके लिए होता है वाटरप्रूफ के लिए, क्योंकि ये कवर लगेगा तभी हम वाटरप्रूफ कर पाएंगे इसका, अन्यथा हम वाटरप्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना, ये जो हमारा होता है कवर, ये हमको दोबारा नहीं मिलता है। ये खो गया, अगर ये खो गया तो सोच लो आप वाटरप्रूफ नहीं कर पाएंगे फिर। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, अब हम इसको फिट करके दिखाते हैं आपको गाइस। इसमें ये कुछ इस तरीका से फिट होता है। इसमें ये ध्यान रखना, ये पोर्ट है टाइप सी का और ये पोर्ट है टाइप सी का, ये फीमेल है, ये वाला मेल है। हमको इसको इसके साथ ही अटैच करना है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो भाई, आराम से इसके अंदर पुश करना है और ये थोड़ा सा इसके अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने पे ये अंदर पुश हो गया। पुश होने के बाद ये कवर है और इसको हमको ऐसे ही दबा देना है। ये लग चुका है, लगने के बाद में कुछ इस तरीका का लग रहा है ये। अब आपको हम इसके बारे में बताते हैं, ये कहाँ यूज होता है। ये हमारे गोप्रो के अंदर ही दिया जाता है ये पोर्ट। अब इस कनेक्शन को हमको इस कनेक्शन में जोड़ना है ऐसे करके, और इधर से स्क्रू, ये वाला स्क्रू जो होता है इसको हम टाइट कर देते हैं यहाँ से, इस तरीका से। और ये आराम से देखो, ये अब रख गया। अब हम आपको दिखाते हैं ये वाली जो बटन थी, ये वाला कैसे यूज होता है। देखो, इंस्टेंट का मतलब होता है कि हम इमरजेंसी में हम जैसे होते हैं, हम पावर न ऑन करके हम डायरेक्ट अगर ये वाली बटन दबा देते हैं तो ये इंस्टेंट तुरंत चल जाता है। ये देखो, ये तुरंत चल गया ये गोप्रो हमारा। दोबारा हम इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये इंस्टेंट जो है वहीं के वहीं जो बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ये बस इंस्टेंट के लिए होता है कि आपको पावर ऑन करोगे, आप लेट होंगे, इसको प्रेस करो और तुरंत जो है चालू हो जाएगा ये। अगर आप वैसे हमारा सुटेबल क्या होता है कि हमको इसकी पावर को ऑन करना है, इसको हमको तब यूज करना है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमको इस ऊपर वाली बटन को ही प्रेस करना पड़ता है। ये प्रेस कर दिया इसको हमने और हम इसको अब चला रहे हैं, ये चालू हो गया है। ये देखो गाइस, तो गाइस आपने जो है मीडिया मोड को गोप्रो के अंदर इंस्टॉल करते हुए हमको देखा है, और हमने आपको दिखाना चाहा है कि इसके अंदर कैसे फिट करते हैं इसको, और इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज निकलती हैं। और उसके बाद में अगर आपको अधिक जानकारी गोप्रो के बारे में चाहिए तो हमने इसकी एक वीडियो बना रखी है जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। मैं उसकी जो है आई बटन में लिंक दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी उसकी जो है लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हो। तो गाइस हमारी वीडियो यहीं तक थी, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, आगे डिब्बे के बारे में भी आपको जानकारी वहीं से मिलेगी। आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको डिब्बे के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो गाइस अब हम चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।